नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मन से लर्निंग चैनल में। मैं आपका वेलकम करता हूं। साथियों, आज हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी हो रही है, सफेद फाहे आसमान से जमीन पर गिर रहे हैं दोस्तों। साथ ही आज हिमाचल प्रदेश स्टेटहुड डे सेलिब्रेट कर रहा है। आज ही के दिन 25 जनवरी 1971 को भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी के द्वारा शिमला के रिज मैदान से इस राज्य को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। उस दिन भी ऐसे ही फाहे बर्फ के आसमान से ज़मीन पर गिर रहे थे, वही नज़ारा आज भी कुछ देखने को मिल रहा है। दोस्तों, यह प्रकृति का अद्भुत नज़ारा है, प्रकृति का अपना ही अलग रूप देखने को मिल रहा है। यहाँ पर्यटक गाड़ी रोककर मस्ती करते हुए देखे जा सकते हैं। साथियों, प्रकृति से अद्भुत कोई चीज इस संसार में नहीं है, यह भगवान की सबसे उत्तम गिफ्ट मानव को प्रदान की गई है। इसके बिना मानव जीवन संभव नहीं है। दोस्तों, जब बर्फबारी होती है तो यहाँ पहाड़ में रहने वाले लोगों का जीवन बहुत ही कठिन हो जाता है, क्योंकि चारों तरफ बर्फ ही बर्फ होती है और जीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो जाता है। लेकिन लोग पहले ही इससे निपटने के लिए तैयार रहते हैं। उन्होंने अपना पूरा प्रबंध बर्फबारी होने से पहले ही कर लिया होता है। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि बर्फबारी तब शुरू होती है जब तापमान 0 डिग्री से नीचे चला जाता है और जो वर्षा की बूंदें हैं वो जमने से बर्फ का रूप ले लेती हैं और सफेद फाहे के रूप में जमीन पर गिरती हैं। दोस्तों, यह दृश्य ऐसा लगता है मानो आसमान से भगवान सफेद फूलों की
वर्षा धरती पर कर रहे हैं। दोस्तों, यह दृश्य बर्फबारी समाप्त होने के बाद का है और बहुत ही सुंदर नज़ारा प्रकृति के द्वारा यहाँ दिखाया जा रहा है। अति सुंदर दृश्य जिसको देखकर मन मोहित हो जाता है। दोस्तों, इस दृश्य को देखते हुए ऐसा लगता है मानो भगवान ने सफेद चादर धरती में बिछा दी हो। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ लाइक और शेयर जरूर करें। इससे हमें मोटिवेशन मिलती रहेगी। धन्यवाद।